हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मासूम जफर और आपका स्वागत है हमारे किंग एस एजुकेशन चैनल पे। तो ये है हमारा फिफ्थ वीडियो, जिसमें चार वीडियो जो पहले बना दिए, जिसमें कि तीन लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है, और जो पहला वीडियो था वो इंट्रोडक्शन का। तो जो तीन वीडियो बनाया था उसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वो क्वेश्चन के ऊपर होगा। जो भी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस करेंगे। जो भी मैंने अपना कंसेप्ट बताया, जो भी जितने भी टॉपिक्स को मैंने क्लियर किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके अकॉर्डिंग हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाकी दूसरी बात कि यार इधर से मेहनत हो रही है, लेकिन तुम्हारे तरफ से थोड़ी सी ना मेरे को लग रही है कि प्यार की कमी हो रही है, थोड़ा सा अटेंडेंस, थोड़ा सा बाकी सब तो मिल गया है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा के थोड़ा सा शेयर करने, मतलब कि और कमेंट वमेंट करो यार, और सब्सक्राइब भी करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब को बढ़ाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ना मेरी वीडियो को देख सकें। और फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी बताओ कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करें, ठीक है। तो आज हम अपने वीडियो की बात करते थे कि हम करने क्या वाले हैं, आज जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका पूरा वो जो मैंने तीन लेक्चर दिए थे उसमें सारा कंप्लीट करवा था। आज जो है हम क्वेश्चन करने वाले, जिसमें कि जो टॉपिक क्या कवर करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन के तीन 15 क्वेश्चंस को मैंने तीन उसमें डिवाइड किया, किसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसमें ट्रेंडिंग क्वेश्चन करेंगे, और न्यू टाइप जो नए टाइप के क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो ट्रेंड में आते बार बार, मतलब कि ट्रेंडिंग में, जैसे ट्रेंडिंग वीडियो होता है ना कि भाई जितनी बार देखा गया हो, मतलब कि जितना ज्यादा देखा गया उतना ज्यादा हम एक नंबर दो नंबर, उसी तरीके का ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो हर बार पूछा गया, पूछते मतलब कि नए नए टाइप के और पूछे जा रहे हो, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि इन सब का करने का रीजन क्या, और नए टाइप का क्या करने का रीजन कि इस साल जो है नीट जो एम्स है वो नीट में कंबाइंड हुआ है, इसका मतलब कि आगे भी रहेगा। चांसेस क्या कहते हैं, चांसेस तो यही कहते हैं ना कि आगे भी कंबाइंड ही रहेगा एम्स। तो हमें क्या करना है, हमें उस हिसाब से ही तैयारी करनी है, हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे नीट और एम्स को दोनों के एक साथ, मतलब कि एम्स के लेवल को भी और नीट के भी लेवल को, इन दोनों को मैचअप करके चलना पड़ेगा, तब जाके अच्छा स्कोर वहां पे बनेगा। तो हमें एम्स के लेवल का भी क्वेश्चन करना है और नीट के भी लेवल का क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि सिर्फ नीट का करेंगे और क्लियर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि एम्स जुड़ा है तो कुछ ना कुछ तो लेवल अप होगा, नीट जो नॉर्मल जो नीट होता था उससे कुछ ना कुछ तो लेवल अप होगा ही, क्योंकि अप नहीं होगा तो मतलब कि फिर क्या एडमिशन का फिर प्रोसीजर फिर देखा जाता है ना, मतलब एम्स का जब होगा तो उसमें कुछ तो देखा जाएगा, मतलब कुछ तो टफनेस होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारा बन जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमें 15 क्वेश्चन करना है इस वाले हमारे वीडियो में, जिसमें कि प्रीवियस ईयर, ट्रेंडिंग और न्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कहता है देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट, मतलब बोल रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी मौत तय है, उसका जो मौत है वो तय है कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि इमोर्टल है। तो उसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ह्यूमन बींग्स, दूसरा अमीबा एंड पैरामेसियम, तीसरा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, चौथा बोथ टू एंड थ्री। तो आंसर कीजिए इसका, हो गया आंसर, पॉज करके एक बार आंसर कर लेना, उसके बाद हो गया आंसर, हाँ। तो इसका आंसर है बोथ टू एंड थ्री। काफी बच्चों ने किया होगा सिंगल सेल्ड, काफी ने अमीबा एंड पैरामेसियम, लेकिन इसका आंसर क्या है, बोथ टू एंड थ्री। क्यों, मैंने बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, इमोर्टल, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल, क्योंकि वो डिवाइड करते हैं और वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस हिसाब से जो अमीबा एंड पैरामेसियम है ये क्या है, ये भी तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे भी थ्री भी बोला गया, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो ये दोनों क्या है, दोनों ऑप्शन में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इस हिसाब से बोथ टू एंड थ्री, ठीक है बच्चों।
ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस दैट इज ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड। मतलब कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है एक यंग वंस को बर्थ दे रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ऑफस्प्रिंग को राइज कर रहा है गिव राइज टू देयर यंग वंस जो कि सिमिलर है उन जैसे जो भी उसको जन्म दे रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा पार्थेनोजेनेसिस एंड चौथा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और एक बार क्वेश्चन करें। हो गया, बता दूं? हाँ, तो इसका आंसर है रिप्रोडक्शन। इसमें से काफी बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का रिप्रोडक्शन सही होगा, मैक्सिमम बच्चों का रिप्रोडक्शन सही होगा। बाकी तीनों के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होगा, अगर जिन्होंने अभी जितना मैंने पढ़ा है उतना पढ़ा है। तो ये क्या है कि अभी सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में पता होना ही बढ़िया अच्छी बात नहीं, मतलब कि चारों ऑप्शन का पता होना जरूरी है। सिर्फ तुम्हें ये पता था ये सही है, ये नहीं पता था कि ये तीनों गलत है, मतलब कि इन तीनों के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है कि अगर ये सही है और ये तीनों गलत है तो क्यों गलत है। तो फर्टिलाइजेशन तो हमें पता है, और वैसे भी जब फर्स्ट लेक्चर हो रहा था मैंने फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था, गिविंग राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में पता है, फर्टिलाइजेशन भी पता है, सॉरी ये रिप्रोडक्शन के बारे में पता है और ये फर्टिलाइजेशन के बारे में पता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब कि स्पर्म इन मेल एंड एग इन फीमेल। और पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, मैंने यहां पे पार्थेनोजेनेसिस आता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसके ये जितने भी ये और ये तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने वाले, तो ये तीनों मैं आगे अच्छे से करवाऊंगा। इसके एग्जांपल भी है जैसे कि टर्की और लसाटा सेक्सिकोला अर्मानिया का, ये एक एग्जांपल है जो कि पार्थेनोजेनेसिस में आता है। हो गया, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये है गाइस हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फिगर शोज, बोला जी द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर है वो क्या दर्शा रहा है। एक सेल है, फिर ये है, फिर ये, मतलब कि जो स्टेज है ये जा रहा है, जिसमें कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये दोनों क्या है, डॉटर सेल। ये क्या है, डॉटर सेल। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस। अब ये फिगर जो है एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, और ये मैंने बताया भी है अपने लेक्चर में, तो फिर से बता दूं, जिसने भी मेरा लेक्चर नहीं देखा है, जिस किसी ने भी लेक्चर नहीं देखा है, वो अभी क्वेश्चन ना करें, वो होल्ड करें और पहले वो लेक्चर तीनों देखें, उसके बाद आके क्वेश्चन करें, तब जाके कुछ फायदा होगा, नहीं तो वही रोक रोक के या फिर देख देख के आंसर करने का कोई फायदा नहीं है, रटने का कोई फायदा नहीं है, रटने से कुछ नहीं होगा, वापस से भूल जाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, उसके बाद इसका आंसर करें, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, फिर मैच अप कर लेना, देखना आंसर सही होता है या गलत होता है। ठीक है, तो पॉज करें। हो गया, बता दूं, तो ये जो फिगर है हमारा फर्स्ट पेज, जो हमारा रिप्रोडक्शन आता है स्टार्ट, लाइफ स्पेन खत्म होने के बाद जो रिप्रोडक्शन आता है, जहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रखा है, क्लोन के बारे में, तो वहां पे ये फिगर दे रखा है, जस्ट पहला फिगर इस चैप्टर का, तो वो है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। ये किस टाइप का फ्यूजन है, किस टाइप का सेल डिवीजन है, मैंने क्या बताया था कि जो अमीबा में होता है वो बाइनरी फ्यूजन होता है ऑफ इररेगुलर टाइप, मतलब कि इररेगुलर बाइनरी फ्यूजन। उसका आंसर क्या था, उसका एग्जांपल क्या था, अमीबा। तो जो अमीबा है ये जो है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, तो इसका आंसर है ये।
अगर जिस किसी ने भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा या फिर मेरा लेक्चर अच्छे से समझा होगा तो उसको ये आंसर आ रहा होगा और काफी बच्चों का ये आंसर सही भी होगा। जिसका नहीं सही है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, लेक्चर देखिए, बुक पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिए, आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन ना बने घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास बहुत टाइम। ठीक है, मिटा दो ये। तो ये है गाइस हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट रॉन्गली मैच्ड पेयर। फाइंड आउट रॉन्गली, इसमें से जो गलत होगा वो चूज करना है। तो आपका ऑप्शन है ट्यूबर पोटैटो, दूसरा ऑप्शन है लीफ बर्ड बनाना, तीसरा है ऑफसेट वाटर हाइसिंथ और चौथा राइजोम जिंजर। तो वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आंसर करें, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, उसके बाद मैच करना है कि आंसर सही होता है या गलत। हो गया, बता दूं? हाँ, तो पूछा है रॉन्गली मैच्ड पेयर, मतलब कि रॉन्गली मैच्ड पेयर क्या है। अब ये सारे हैं क्या, पहले तो ये जानना जरूरी है ये सारे क्या है। ये मैंने बताया था क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। क्या है ये? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब उसके बाद पर्टिकुलर एक एक चीज का, मतलब कि लिप ट्यूबर, लिप बर्ड, ऑफसेट, राइजोम, सबके मैंने एग्जाम्पल लिखवा रखे, एग्जाम्पल लिखवा रखे। अब ट्यूबर में कौन कौन से आते थे? पोटैटो, सही है ये, मतलब कि ट्यूबर क्या, आईज ऑफ पोटैटो, पोटैटो सही है। इसके बाद कौन आता था? आर्टिचोक, आर्टिचोक भी आता था इसमें। उसके बाद आया था लीफ बर्ड। लीफ बर्ड क्या था? लीफ बर्ड क्या था? ब्रायोफाइलम। लेकिन यहाँ पे क्या है? बनाना। उसके बाद अगला देखते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या था? वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ के बारे में बता रखा था, आतंकवाद, आतंकवादी तो है ये, बंगाल का आतंकवाद, टेरर ऑफ बंगाल, इसको तो बोला जाता है। ये था और पिस्टिया, एक पिस्टिया भी तो था इसके साथ, वाटर लेट्यूस जिसको बोलते हैं, मतलब कि ऑफसेट, जो एक्वाटिक कंडीशन। उसके बाद राइजोम, राइजोम के बारे में तो पता है, बुक में लिखा हुआ है। जिंजर, और ये जो बनाना जो है जो लीफ बर्ड में है वो किसमें आता है? राइजोम में। और भी बताया था इसमें, याद करो, याद करो, याद करो। एडियंटम, एडियंटम वॉकिंग फन, वो किसमें था? राइजोम में ही तो था। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? लीफ बर्ड। क्योंकि लीफ बर्ड में क्या होता है? लीफ बर्ड ब्रायोफाइलम के या हाइड्रन बर्ड्स के लिए। तो ब्रायोफाइलम ठीक है इसका, ठीक है। ब्रायोफाइलम में क्या होता है? लीफ बर्ड। ये एग्जांपल दे रखा है बुक में, ठीक है, बिठा दूं। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, तो ये रहा गाइस हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स इन एन एंजियोस्पर्म। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स क्या था? ये रिप्रोडक्टिव यूनिट, ऐसे रिप्रोडक्टिव यूनिट जो एक नया ऑर्गेनिज्म, मतलब जो प्लांट है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसके नए स्पीशीज को, मतलब जो नए प्लांट को जन्म दे, राइज करे, जैसे कि नया प्लांट राइज होता, मतलब कि वो रिप्रोडक्टिव यूनिट, वही क्या था? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, जिसमें कि हमारा ट्यूबर्स, ऑफसेट, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स इन एन एंजियोस्पर्म। तो पहला ऑप्शन है हमारा जूस पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है आईज ऑफ पोटैटो, तीसरा है राइजोम ऑफ जिंजर, चौथा है बल्बिल ऑफ अगेरो। तो सोचो और आंसर करो, थोड़ा सा पॉज करो वीडियो को, आंसर करो, उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर मैचअप करना है। हो गया, बता दूं? हाँ, तो पूछ रहा है कि विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। पहली बात कि वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स में क्या क्या बताया था मैंने? ट्यूबर, ऑफसेट, स्टोलन, रनर, सकर और बल्बिल, बल्ब, उसके बाद आता है हमारा राइजोम, कॉर्म और ट्यूब, ट्यूबर हो गया, उसके बाद और क्या होता है? बस इतने, और भी था। हाँ, तो ये सारे मैंने बताए थे,
ठीक है, इसका एग्जांपल भी करवाए थे। अब जिनको नहीं पता तो मेरा लेक्चर नंबर देखें, लेक्चर देखें जो पिछले मैंने लेक्चर वीडियो डाल रखे, उसमें मैंने सारा कुछ बता रखा, जिसने भी देखा होगा उसको आ रहा होगा। तो इसका आंसर सही है जूस पोर्स ऑफ क्लैमाइडोमोनास, क्योंकि जूस पोर्स क्या था, ये भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स नहीं था। ये जूस पोर्स क्या था, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मैंने बताया था मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, इन देशों में पाया जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें से कि मोस्ट कॉमन जूस पोर्स था। मोस्ट कॉमन क्या था, जूस पोर्स, जिसका एग्जांपल क्या था, क्लाइमाइडोमोनास। तो मतलब कि ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और यहाँ पे पूछा क्या हमसे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, तो इसका ये तीनों सही था और ये वाला गलत। इसका मतलब कि इसका आंसर ये वाला है, ऐसे समझ में। अब जिस बच्चों का भी गलत हुआ, इसका मतलब कि उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ाई की है, या फिर उन्होंने मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया। तो प्लीज लेक्चर जाके अटेंड करें, उसके बाद क्वेश्चन करें तो ज्यादा फायदा। हो गया, मिटा दूं? तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा गाइस हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्लेनेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ व्हाट। पहला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दूसरा बायोल्यूमिनेसेंस, तीसरा मेटामॉर्फोसिस, चौथा रीजेनरेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पॉज करें वीडियो को, उसके बाद ये क्वेश्चन करें, फिर मैं बताऊंगा, उसके बाद चेक करना है कि ये आंसर सही है या गलत है। हो गया, बता दूं। तो मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है कि जो प्लेनेरिया है वो क्या शो करता है, रीजेनरेशन की कैपेसिटी, मैंने बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। मैंने बताया था कि जो प्लेनेरिया है वो ट्रू रीजेनरेशन की प्रोसेस को शो करता है। तो जो रीजेनरेशन का है कौन शो करेगा, प्लेनेरिया। और फ्रेगमेंटेशन का बता रखा था रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन प्लांट के केस में, रीजेनरेशन एनिमल के केस में। फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल थे आपके कौन से बता, नहीं पता जिसी को वो मेरा लेक्चर देख, मैंने लेक्चर में अपने अच्छे से बता रखा है फ्रेगमेंटेशन का और रीजेनरेशन। बताया था ट्रू रीजेनरेशन कौन सो करता है, प्लेनेरिया। कौन सो करता है, प्लेनेरिया सो करता है, ठीक है। तो अब मिटा दूं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, एक्स प्लांट इज, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, ये तो कोई भी कर लेगा आराम से, जिसने भी मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा वो कर लेगा तुरंत, ठीक है। तो एक्स प्लांट इज, पहला ऑप्शन है हार्वेस्टेड प्लांट, दूसरा ऑप्शन है एक्सप्लॉइटेड पार्ट ऑफ प्लांट, तीसरा ऑप्शन है अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट फॉर टिश्यू कल्चर, एंड चौथा ऑप्शन है अप्रूटेड पार्ट फॉर ट्रांसप्लांटेशन। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, उसके बाद क्वेश्चन करें, उसके बाद मैं बताऊंगा तो आंसर मैच कर लें। हो गया, बता दूं। तो एक्स प्लांट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट फॉर टिश्यू कल्चर, बताया था कि टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर इन विट्रो कंडीशन में किसी भी प्लांट पार्ट से, किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट से किस नए प्लांट का ग्रो करवाना, मतलब कि नए प्लांट का राइज करवाना इन विट्रो कल्चर में, सुटेबल कंडीशन को प्रोवाइड करवा के, मतलब कि फेवरेबल कंडीशन को प्रोवाइड करवा के। तो जो वो पार्ट ऑफ प्लांट था उसको क्या बोलते थे हम, एक्स प्लांट, एंड द कैपेसिटी ऑफ एक्स प्लांट टू बिकम अ न्यू प्लांट called totipotency, and called totipotency। और यही टिश्यू कल्चर अगर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पाने के लिए किया जाए तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, सी,
a small part of a plant for tissue culture. मिटा दूं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे. तो ये रहा गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि कांसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी, कांसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी इज गिवन बाय, कांसेप्ट ऑफ सेलुलर, मतलब कि सेलुलर पोटेंसी किसने दिया था. तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन स्टेवर्ड, दूसरा ऑप्शन वसिल एंड हिल्डर ब्रांड, तीसरा ऑप्शन है कार्लसन एटॉल, चौथा ऑप्शन है बर्स्की एटॉल. तो क्वेश्चन, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, उसके बाद क्वेश्चन करें, फिर मैं कराऊंगा, तो फिर आप मैच कर लेना क्वेश्चन को, फिर देखना सही होता है या फिर गलत. हो गया, करवा दूं. तो कंसेप्ट ऑफ सेलुलर पोटेंसी इज गिवन बाय वासिल एंड हिल्डर ब्रांड, वासिल एंड हिल्डर ब्रांड. सेलुलर टोटिपोटेंसी पता ही है क्या होता है, इसको याद करना, एज इट इज याद करना. ये बीएचयू में पूछा गया क्वेश्चन, बीएचयू में पूछा गया. तो वासिल एंड हिल्डर ब्रांड ने क्या दिया था, सेलुलर टोटिपोटेंसी, इसको एज इट इज याद कर लेना. ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे. तो ये है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो बता रखा है क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मैंने अपने लेक्चर में उसके सारे एग्जांपल भी करवाए थे. तो पहला ऑप्शन है माइक्रो प्रोपगेशन, पहला ऑप्शन क्या है माइक्रो प्रोपगेशन, दूसरा बडिंग, तीसरा सोविंग, चौथा लेयरिंग. तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फिर देखें कि वो क्वेश्चन सही होता है या फिर गलत. हो गया, बता दूं. हाँ, तो यहाँ पे पूछा क्या है, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ, नहीं है किसका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या बताया था, दो होता है, एक नेचुरल मेथड होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड होता है. नेचुरल में जो हमारा ट्यूबर व्यूबर होता है, ट्यूबर सकर रनर ये सब, और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में कौन सा आता है, जो कि नेचुरल ना, मतलब कि नेचुरल ना, जो मैन मेड आर्टिफिशियल, जिसमें कि क्या क्या आ जाता है, लेयरिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग, समझ में है, ये सारे होते थे. टिश्यू कल्चर ये सब किसमें आता था, आर्टिफिशियल में. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अभी इसमें देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है. तो माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन किसमें आता था, टिश्यू कल्चर में, और टिश्यू कल्चर किसमें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. बडिंग, बडिंग भी आता था, बर्ड्स, बर्ड्स है कि नहीं. उसके बाद सोविंग, सोविंग क्या होता है, सोविंग मतलब कि बीज बोना, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं है. और लेयरिंग, लेयरिंग तो है ही आर्टिफिशियल, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, थर्ड, थर्ड इसका आंसर है. हो गया, मिटा दूं. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10. ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्या पूछ रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्राइसेंथेमम मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली बाय. यार ये कुत्ता बड़ा परेशान कर रहा है, बहुत भूख रहा है कुत्ता, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करें और इस पर ध्यान दें. क्राइसेंथेमम मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली बाय, फिर भोंक रहा है, बहुत ज्यादा भोंक रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको, पसंद नहीं आ रहा लग रहा. कोई नहीं, इग्नोर कुत्ते को, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दें. क्राइसेंथेमम मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली बाय, क्राइसेंथेमम मल्टीप्लाइज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब उसमें एग्जांपल याद करना है कि यार इसमें से किसमें इसका एग्जांपल आता है. तो इसका ऑप्शन है, पहला बुलबिल, दूसरा राइजोम, तीसरा सकर, चौथा रन. जल्दी जल्दी से पॉज करें और आंसर करें, उसके बाद चेक करना है क्या आंसर सही होता है या गलत. कर लिया, बिठा दूं, सॉरी मतलब बता दूं, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बीच बीच में, तो इग्नोर करता रहे, ठीक है. उसके बाद क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्राइसेंथेमम मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली बाय. बिलबिल किसका था, बिलबिल अगेव, राइजोम बनाना अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिंजर एडिंटम रनर,
लॉन ग्रास और कैंटेला, शकर का क्या था, मिंट और क्रिसेंथेमम। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या है, थर्ड। शकर जो है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है, किसका, क्रिसेंथेमम। हो गया ये क्वेश्चन, हो गया, मिटा दो। तो ये रहा गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट सेल विल शो टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट सेल विल शो टोटिपोटेंसी, बता दो। टोटिपोटेंसी क्या है, टोटिपोटेंसी वो है कि मतलब ये किसी भी पार्ट से मतलब कि जनरेट करना पूरे प्लांट का, मतलब किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से पूरे प्लांट को हम जनरेट करना, मतलब कि उसकी कैपेसिटी, प्लांट पार्ट की कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं हम, टोटिपोटेंसी। तो इसका ऑप्शन है पहला सीव ट्यूब्स, दूसरा जाइलम वेसल्स, तीसरा मेरिस्टेम्स, चौथा कॉर्प सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एम्स में, एपीएमटी में, नीट में, सब में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इसका आंसर करें, फिर उसके बाद मैच करना है आंसर। ठीक है, जल्दी हो गया, बता दूं। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट सेल विल शो टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी किस में आता है, टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर का एक और एडवांटेज भी बताया था कि इसको डिजीज फ्री प्लांट भी पाने के लिए करते हैं हम, मतलब किसी प्लांट को डिजीज है तो उसको डिजीज फ्री प्लांट पाने के लिए हम टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। तो उस केस में क्या यूज करते हैं, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो वायरस फ्री होता है, मतलब कि जो पार्ट डिजीज्ड नहीं होता, इकलौता पार्ट है, इसलिए मेरिस्टेम के सेल्स को यूज किया जाता है फॉर टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, थर्ड, मेरिस्टेम। मतलब कि कौन सा पार्ट, मेरिस्टेम के सेल्स को यूज करते हैं टोटिपोटेंसी को शो करने के लिए। आया समझ में, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो स्टार मार्क कर लो, ये तो बहुत बार पूछा गया, तो पूछते ही रहते। ठीक है, बिठा दो। तो ये रहा गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सोमा क्लोन वेरिएशंस आर दैट वंस, सोमा क्लोनल वेरिएशंस आर दैट वंस। पहला ऑप्शन है इंड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल एम्ब्रायोजेनी, सेकंड कॉज्ड बाय म्यूटाजेंस, तीसरा कॉज्ड बाय गामा रेज, एंड फोर्थ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। अब याद करें, सोमा क्लोनल मैंने बताया है या नहीं बताया, अब बताया है तो कहाँ बताया और क्या बताया है उसके बारे में सोचें, और उसके बाद वीडियो को पॉज करें थोड़ा सा, उसके बाद आंसर करें, उसके बाद मैच करें कि आंसर सही है या गलत है। और गलत है तो जाइए वापस से लेक्चर को अटेंड कीजिए या फिर बुक को कंसिडर कीजिए, बुक पे पढ़िए, उसके बाद फिर से सॉल्व कीजिए। ठीक है, बताइए, हो गया, बता दूं। तो पूछा है कि सोमा क्लोनल वेरिएशंस आर दैट वंस, सोमा क्लोनल वेरिएशंस आर दैट वंस, क्या बताया था, ये कहां पे प्रोड्यूस होता था, जब माइक्रो प्रोपेगेशन का जहां पे केस था वहां पे क्या बताया, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो सोमा क्लोन्स होते हैं। सोमा क्लोन्स मतलब जिनका जेनेटिक मेकअप सिमिलर होता है, मतलब वो आइडेंटिकल होता है, आए समझ में, मतलब कि क्लोन, क्लोन की बात आ रही है यहां पे, सोमा क्लोन, ऐसा समझ में, मतलब कि जो जेनेटिक मेकअप उसका क्या होगा, सिमिलर होगा, यूनिफॉर्म जेनेटिक मेकअप, समझ में आया, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। तो वो कहां पे होता था, माइक्रो प्रोपेगेशन कहां होता था, टिश्यू कल्चर में। तो इसका आंसर क्या होगा, इंड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल एम्ब्रायोजेन, नहीं, सेक्सुअल एम्ब्रायोजेन में क्या, कॉज्ड बाय म्यूटाजेंस, कॉज्ड बाय म्यूटाजेंस क्या होता है, जो म्यूटेशन कॉज करता है, म्यूटेशन से सोमाक्लोन्स नहीं, म्यूटाजेंस मतलब म्यूटेशन, और म्यूटेशन कॉजेस वेरिएशन, अब वेरिएशन हो गई तो क्लोन की तो बात ही नहीं होगी फिर। तीसरा है कॉज्ड बाय गामारेज, गामारेज आल्सो कॉज म्यूटेशन, अब म्यूटेशन तो वेरिएशन का कॉज है। चौथा क्या है ऑप्शन, प्रोड्यूस ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, ये ऑप्शन है हमारा, मतलब कि टिश्यू कल्चर क्या था, जहां पे प्रोपेगेशन का प्रोसेस आया था, अब प्रोपेगेशन है तो मतलब कि सोमा क्लोन, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, फोर्थ, प्रोड्यूस ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, क्या, सोमा क्लोन।
समकलोनी वेरिएशन क्या है? दैट वंस दैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, बिठा दूं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये रहा गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि फर्स्ट सक्सेसफुल एनिमल क्लोन वाज, फर्स्ट सक्सेसफुल एनिमल क्लोन वाज, मतलब कि जो फर्स्ट सक्सेसफुल एनिमल क्लोन जिसको बनाया गया था वो क्लोन, मतलब कि जिसका जेनेटिक मेकअप सिमिलर, वो क्या था, कौन था? पहला ऑप्शन है मोली सीप, दूसरा एंडी, तीसरा डॉली गोट, चौथा डॉली सीप। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन करें, उसके बाद मैं बताऊंगा फिर सही या गलत, चेक करो। हो गया, बता दूं तो इसका आंसर है हमारा डॉली सीप। इसको रट लेना है कि काफी बार पूछा गया है, और इसको याद कर लेना, जो डॉली सीप थी वो फर्स्ट क्लोन थी, एनिमल क्लोन, एनिमल क्लोन, डॉली गोट है नहीं। और एंडी जो था, एंडी जो था वो क्या था, ट्रांसजेनिक मंकी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी कौन था, एंडी, अमोली सीप नहीं था। आए समझ में? तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसका क्या आंसर क्या था, डॉली सीप, जो कि क्या है, एनिमल क्लोन, फर्स्ट सक्सेसफुल एनिमल क्लोन, ठीक है, इसको याद कर लेना है, जटिल हो गया, मिटा दूं। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अमंगस्ट द फॉलोइंग इज, मतलब ये सबसे ज्यादा जीने वाला ऑर्गेनिज्म, इंसान नहीं, इंसान नहीं जीता, इंसान को मत जिलाओ यार इतना, तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अमंगस्ट द फॉलोइंग क्या है, पहला ऑप्शन है लेरिया, दूसरा ऑप्शन है सिकोवा, तीसरा ऑप्शन है फिकस, चौथा ऑप्शन है टोटोइज। जिसने भी मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा वो तुरंत कर देगा, मतलब कि मैंने इन सब का बता रखा है, बस इसको छोड़ दो, इसको जाना भी। अब इन तीनों चारों में बताना है कि कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके अपना आंसर चूज करें, उसके बाद देखिए कि आंसर सही होता है या गलत होता है, और अगर गलत होता है इसका मतलब कि तुमने सही से नहीं पढ़ा, या फिर सही से लेक्चर को नहीं समझा, तो वापस से जाए लेक्चर को समझे, या फिर जो नए हैं वो वापस से जाए और लेक्चर को सबसे पहले समझे, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करें, तो पॉज करें उसके बाद आंसर बताएं। हो गया, बता दूं। तो लार्जेस्ट मतलब कि लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, लेरिया, बताया था मैंने, लेरिया ट्राइडेंटाटा, लेरिया ट्राइडेंटाटा क्या था इसका, कितना था इसका, इसका एज कितना था, 11300 11300 साल, और सिकोवा रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री इसका क्या था, लगभग 3000 to 4000 years, 3000 to 4000 years। टोटोइज का क्या था, 100 to 150 years, ये तो बुक में दे रखा, एनसीईआरटी में दे रखा, ये नहीं दे रखा एनसीईआरटी, ठीक है, जो मैंने अपने लेक्चर में बताया था, तो जो याद नहीं है तो लेक्चर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, हो गया, मिटा दूं। तो ये रहा गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या है, 15, क्वेश्चन नंबर 15, स्वीट पोटैटो इज प्रोपेगेटेड बाय, जो स्वीट पोटैटो है वो किससे प्रोपेगेट होता है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा स्टेम, दूसरा ऑप्शन है रूट, तीसरा ऑप्शन है राइजोम, एंड चौथा ऑप्शन है ट्यूबर। आए समझ में, स्टेम, रूट, राइजोम और ट्यूबर, इन चारों में से बताना है कि स्वीट पोटैटो किससे प्रोपेगेटेड होता है। तो वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आंसर बताएं, फिर आंसर को अपने चेक करना है, तो सही चेक करना है कि सही होता है या फिर गलत, ठीक है, हो गया, बता दूं। तो जो स्वीट पोटैटो होता है वो प्रोपेगेटेड होता है थ्रू रूट, ये तो पढ़ा होगा, स्वीट पोटैटो और इसमें डिफरेंस क्या है,
ये जो होता है ये स्टेम मॉडिफिकेशन होता है और ये रूट मॉडिफिकेशन। जो स्वीट पोटैटो होता है वो रूट मॉडिफिकेशन होता है और जो पोटैटो होता है वो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। इसलिए जो स्वीट पोटैटो होगा इज प्रोपेगेटेड थ्रू रूट। हो गया, सही था या गलत चेक कर लिया आपने? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन जो हमें करना था ये हो गया। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो कि होमवर्क है, जो कि आपको करके कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 है हमारा क्वालिटी हैज टू बी गुड ऑफ, क्वालिटी हैज टू बी गुड ऑफ। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है स्टॉक, दूसरा ऑप्शन है स्क्योर, तीसरा ऑप्शन है कटिंग एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा कि जो क्वालिटी हैज टू बी गुड ऑफ, मतलब कि क्वालिटी किसमें किसमें देखते थे हम क्वालिटी? ग्राफ्टिंग को याद कीजिए, ग्राफ्टिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसमें कि स्क्योन और स्टॉक, स्टॉक जो रूटेड प्लांट एंड स्क्योन जो अपर का जो ट्विग, जिसको हम ट्विग बोलते हैं, जो ट्विग स्टॉक में जो हम जोड़ा जाता है वह स्क्योन और स्टॉक। वहां पे याद कीजिए कि मैंने क्या बताया था, क्वालिटी किसका अच्छा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन था, आपका ऑप्शन है स्टॉक, स्क्योन, कटिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। ये मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है, अगर नहीं आ रहा तो लेक्चर दिए, लेक्चर पे जाके पहले आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर एक्चुअली में है क्या। ठीक है, थैंक यू गाइज। और जिस जो भी नए हैं या थोड़ा सा ठीक है, जो भी आ रहे ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्यादा वो करने की कोशिश करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो जैसा बना ना वो जैसा बना है अच्छा या खराब वो सारा यार कमेंट करें यार, थोड़ा सा और प्यार दे, सब क्या हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके।